हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्री मैच शो। और आज मैं बात करूंगा कल होने वाले सेमीफाइनल मैच की, जहां पे इंडिया वर्सेस जर्मनी के बीच ये मैच खेला जाना है। और भारत के लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि पिछला मैच क्वार्टर फाइनल इंडिया बहुत अच्छे तरीके से शूटआउट में जीतते हुए यहां पे आ रही है। हालांकि अमित रोहिदास, जो कि पिछले मैच में रेड कार्ड जो है वो ले चुके थे, उन पे एक और मैच का बैन लगाया गया है FIH के द्वारा। हालांकि उस पे अपील जरूर की है हॉकी इंडिया ने, लेकिन उसमें कम ही गुंजाइश नजर आ रही है कि अमित रोहिदास आपको कल के मैच में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो अब बात यह है कि 15 खिलाड़ियों में इंडिया को ये मैच खेलना है और एनी हाउ ये मैच जीतना होगा। जितना एफर्ट आप बेस्ट हॉकी आपको खेलना होगा, जितना एफर्ट आप लगा सकते हो उतना आपको करना होगा इस मैच को जीतने के लिए। तो इस पूरे वीडियो में मैं बात करूंगा कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो स्पेशली जर्मनी के खिलाफ आपको मिलने वाले हैं, और कैसे आप उन सारे चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करूं। उससे पहले हम बात करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की, जहां पे लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल का मैच आज अपना हार गए और मलेशियन शटलर के साथ उन्होंने ये मैच 2-1 से जो है वो हारा। पहला सेट जीतने के बाद भी वो ये मैच अपना बचा नहीं पाए और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीतने से जो है वो चूक गए हैं। हालांकि इंडिया के लिए या लक्ष्य सेन के लिए अभी तक उनका बेस्ट है, आने वाले समय में हो सकता है कि इंडिया के लिए या वर्ल्ड क्लास प्लेयर के रूप में वो मेडल के कंटेंडर होंगे। तो इस रूप में जो है लक्ष्य सेन का सफर यहाँ पे एक तरह से खत्म होता हुआ हमको नजर आया है। तो ये एक थोड़ा सा सेटबैक इंडिया के लिए आज है। बात कर लेते हैं कल के सेमीफाइनल की, जो कि सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि भारत के लिए आंकड़ों के हिसाब से भारत के लिए कौन सी चीजें फेवरेबल है और कौन सी चीजें नहीं है। आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो भारत ने पिछले जो मैच जर्मनी के साथ 6 खेले हैं, उनमें से भारत 5 मैच जो है वो अपने नाम करने में कामयाब रहा है। तो ये एक स्टैट्स ऐसा है जो भारत को काफी बूस्टअप करेगा। और जर्मनी के खिलाफ आपको याद रहना चाहिए कि पिछला जो टोक्यो ओलंपिक था, वहां पे ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी जर्मनी को हमने 5-4 से शिकस्त दी थी। और आखिरी कुछ क्षणों में आपने देखा होगा बड़ा रोमांचक खेल चल रहा था, जिसमें सृजेश की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन भारत वहां पे ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था। लेकिन जर्मनी इस बार अलग तरह की जर्मनी नजर आ रही है, मैं आपको बताऊं, जहां पे बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया के लिए होंगे। हालिया फॉर्म की अगर बात करें तो इंडिया का मैच जो जर्मनी के साथ FIH प्रो लीग में लास्ट मैच इंडिया ने खेला है, उसमें हालांकि जर्मनी जो है वो 3-2 से वहां पे उस मैच को अपने नाम उन्होंने किया था। तो ये एक स्टैट्स थोड़ा सा हमारे खिलाफ है, लेकिन उसके अलावा अगर पिछले 6 मैचों की बात करें तो वहां भारत ने बेहतर किया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जहां पे जर्मनी के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, की प्लेयर्स हैं, जिनको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट कल भारत के लिए होगा। सबसे पहले तो भारत को जो है वो PC कंसीड नहीं करने हैं। जितने कम PC भारत कंसीड करेगा उसका फायदा भारत को होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट रसर जो है वो अमित रोहिदास रेड कार्ड लेके बाहर है, यानी कि सेमीफाइनल मैच नहीं खेल रहे, तो वहां एक डिसएडवांटेज आपको हो सकता है। उसके अलावा अमित रोहिदास के ना होने से ज्यादा खतरा आपके लिए जो ड्रैग फ्लिकर जर्मनी के पास इस वक्त वर्ल्ड क्लास हैं, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। गोंजालो पिलाट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्जेंटीना के साथ, जब वो अर्जेंटीना की तरफ से खेलते थे, उस वक्त उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल लिया है और अब वो जर्मनी की टीम में हैं और इस वक्त जो है वो बहुत करंट फॉर्म उनका बहुत बेहतरीन है। कल का जो सेमीफाइनल था, अगर आपने अर्जेंटीना के साथ देखा होगा, तो वहां उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर में जो स्कोर किया था वो बेहतरीन था। और उसके अलावा एक और नाम है जहां पे क्रिस्टोफर रोर से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। उनकी जो स्किल्स हैं, उनका जो टेम्परामेंट है, वो बहुत फायदा देता है जर्मनी की टीम को। तो क्रिस्टोफर रोर के अलावा एक और लुकास विंडफीडर जो एक और आपके लिए ड्रैग फ्लिक का काम करते हैं जर्मनी के लिए। और अगर आप देखेंगे कि टॉप 5 वर्ल्ड के ड्रैग फ्लिक में अगर आप देखने वाले हैं, तो वहां 2 खिलाड़ी जर्मनी की तरफ से आपको खेलते हुए दिखेंगे, जो कि लुकास विंडफीडर और साथ में आपने देखा होगा गोंजालो पिलाट की, ये जोड़ी जो है वो बहुत ज्यादा खतरे पैदा करती है विरोधी टीमों के। तो इन दोनों से बचना होगा और उसके लिए आपको PC कम से कम कंसीड करने होंगे। दूसरी चीज ये है कि जहां पे आपको, क्योंकि फिजिकल एबिलिटी के रूप में अगर हम देखें तो फिजिकली बहुत ज्यादा फिट टीमों में से मानी जाती है जर्मनी, तो उनके साथ आप शॉर्ट पासेस जो है वो करके अपने आप को जो है वो बेहतर स्थिति में ला सकते हो। बॉल पोजेशन आपके पास तभी होगा जब आप शॉर्ट पासेस करने में भी कामयाब होंगे, क्योंकि लॉन्ग पासेस करने के लिए जर्मनी आपको बहुत ज्यादा जो है वो एक स्पेस नहीं देने वाली है। फिजिकली बहुत ज्यादा फिट हैं कि जर्मनी के सारे खिलाड़ी, और याद रखना चाहिए कि 16 खिलाड़ियों से वो खेल रहे हैं और हम 15 से खेल रहे हैं, तो एक बड़ा मार्जिन, एक पहले से उनके पास एक एडवांटेज लेके हुए इस मैच में आने वाले। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कल भारत को कौन सी चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे
अगर भारत को पीसी मिलता है, अगर पीसी अवार्ड किया जाता है, तो उसको कन्वर्ट करने में वो पूरे एफर्ट यहाँ पे भारत को करने चाहिए। हरमनप्रीत पे विशेष कल भी दारोमदार रहेगा, लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी, दूसरे जो स्ट्राइकर्स हैं उनको भी वहां पे सपोर्टिंग रोल देना होगा। और जितना पीसी में आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फील्ड गोल करना बहुत आसान नहीं होने वाला है कल के मैच में, और फील्ड गोल भी आपको करने की कोशिश करनी ही होगी, क्योंकि पीसी भी बहुत आसानी से आपको वहां पे नहीं मिलने वाले हैं, और पीसी मिलता है तो उसे 100% कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी हरमनप्रीत को, तभी जाके आप काफी इस मैच को जो है वो उस लेवल में मैच कर पाएंगे जो जर्मनी का इस वक्त क्वालिटी ऑफ प्ले है। तो ये एक चीज होगी। उसके अलावा जैसा मैंने कहा, शॉर्ट पासेस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, बेसिक स्किल्स, बेसिक जो गलतियां हैं जहां पे हम टैप बार बार ट्रैपिंग की बात कर रहे हैं, वो ट्रैपिंग जो एक प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करती है। और वो ट्रैपिंग ऐसा नहीं कि हमारे खिलाड़ी स्किलफुल नहीं है, उनको टेक्निक नहीं पता, लेकिन जब आपकी नर्व्स कंट्रोल से बाहर चले जाती है तो वहां ये प्रॉब्लम्स आने लगती है कि आप ट्रैपिंग और बाकी जो बेसिक चीजें हैं उनको भी गलत करने लग जाते हो, या मिस पास आप कई बार करते हो। मिस पासिंग और मिस ट्रैपिंग जो है ये दो चीजें ऐसी हैं जो लगातार भारत की जो है वो उजागर होते हुए नजर आती है समस्या के रूप में, तो इन दोनों चीजों को सही करना होगा। उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो भारत को एक और चीज पे ध्यान रखना होगा, जहां पे टेम्पर लूज नहीं करना है, यानी कि साइकोलॉजिकल आपकी जो स्टेट है, कल बड़ा मैच है, फिर अगर फाइनल का टिकट आपको अगर पक्का करना है तो कल का मैच जीतना बिल्कुल मस्ट विन एक तरह से ये होगा, तो उसके लिए आपको कम से कम साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग रखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना भारत की, कि जब जब भारत थोड़ा सा पीछे चलता है या ऐसी क्रूशियल स्टेजेस में पहुंचता है या कोई प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होने लगती है, तो भारतीय जो खिलाड़ी है ना वो एकदम से तितर बितर नजर आते हैं, यानी कि रिग्रुप नहीं हो पाते। तो रिग्रुप क्विकली होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी टीम गेम में, कि आप कितने क्विकली रिग्रुप हो रहे हो। अगर आप जल्दी से रिग्रुप कर जाते हो तो वहां पे आपको एक यूनिटी का बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ा फायदा जो है वो होता है, और उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्ट आपके स्कोर और रिजल्ट्स में भी नजर आता है। तो ये रिग्रुप की जो एक क्वालिटी है उसको यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है, और जितना कॉन्फिडेंस आप लेके जाएंगे जर्मनी को तभी आप मैच कर पाएंगे, अदरवाइज इंटेंसिटी में जर्मनी बहुत आगे हमसे नजर आ रही है इस वक्त। करंट फॉर्म में कल का मैच देख रहा था तो वहां पे जर्मनी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और उनके पास जो की प्लेयर्स हैं उनको अगर हराना है, अगर उनको मात देनी है, तो भारत को अपनी बेस्ट हॉकी, जो हॉकी आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, उस इंटेंसिटी को मैच करना होगा। और पुरानी चीजों को, अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिला, कुछ और चीजें हुई हैं, ये सब चीजों को भुलाना होगा, तभी जाके आप कल जो है वो फाइनल का टिकट आपको यहाँ से मिलने वाला। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि कल जो भारत का मैच है जर्मनी के साथ, हम सब इंजॉय करेंगे उस मैच को, लेकिन भारत यहाँ पे अच्छी हॉकी खेलेगा और वर्ल्ड क्लास हॉकी दोनों तरफ से खेलते हुए हमें नजर आएगी, और अल्टीमेटली हम सब यही चाहते हैं कि कल भारत ये मैच जो है वो जीते एक बार फिर, और हम फाइनल खेलेंगे नेदरलैंड्स और स्पेन में से जो टीम जीतेगी उनमें से हम जो है वो उसके साथ फाइनल खेलने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम, दोनों क्वार्टर फाइनल में जो है वो बाहर हो गई हैं, तो भारत के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी टीम यहाँ पे, जितनी भी आठों टीमें क्वार्टर फाइनल में आई थी वो सारी बड़ी टीमें हैं और कभी भी किसी भी दिन में वो कुछ भी किसी को भी छका सकती हैं, तो भारत को भी कल छकाना होगा जर्मनी को, यही मुझे उम्मीद है। और जितने भी हमने जो कीज हैं या जो हम कहें कि जो कमियां हमें भारत में दिख रही थी, वो अगर हम कलेक्टिवली वो एफर्ट करते हुए नजर आएंगे तो यहाँ से हमें रिजल्ट्स अपने पक्ष में जरूर नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई अगर व्यू हो, व्यू पॉइंट हो इन सब चीज़ों को लेके, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं तो जरूर आप लाइक करें और इन सब चीज़ों को स्पोर्ट्स लवर तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।